आगरा विश्वविद्यालय में BAMS की छात्रों की परीक्षा न कराने के संबंध में विश्वविद्यालय परिषद की अध्यक्ष प्रियंका तिवारी ने बताया कि छात्रों की परीक्षा नहीं कराई जा रही है। यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाएं। छात्रों ने बताया कि उनको BAMS की पढ़ाई करते हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वह सेकेंड ईयर में 2 साल पूर्व भी उन्होंने परीक्षा कराने की मांग उठाई थी, जिसको लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय ने नहीं की है और ना ही कोई परीक्षा कराने की तिथि की घोषणा की है। छात्रों ने बताया कि अगर उनकी परीक्षा नहीं कराई गई तो उनका भविष्य खतरे में आ सकता है। इसी को लेकर उन्होंने आज आगरा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई और हमारी परीक्षाएँ नहीं कराई गई तो हम इसी तरीके से उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। सभी विद्यार्थी सुबह से दोपहर तक कंट्रोलर अजय कृष्ण यादव का वेट करते रहे, लेकिन वे छात्रों से मिलने नहीं आए। छात्रों की मांग है कि जब तक कंट्रोलर उनसे मिलने नहीं आएंगे तब तक वह उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ BAMS के छात्रों की परीक्षा नहीं कराई जा रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो सभी छात्र इस मांग में है कि कैसे भी कैसे जल्द से जल्द छात्रों के एग्ज़ाम कराए जाए, क्योंकि 5 साल हो गया है इन लोगों को, लेकिन फिर भी अभी तक ये सेकंड ईयर में है, अभी एग्ज़ाम की कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नहीं आया कि ये कराएंगे। 1 साल पूर्व भी ये लोग मांग उठा चुके हैं कि हमारे एग्ज़ाम कराए जाएँ, लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल पूर्व भी कराए गए लेकिन अभी तक नहीं कुछ हो पा रहा है। तो इसी विषय को लेकर हम लोग अभी साथ में हैं, डटे हैं कि कैसे भी करके छात्रों के साथ अहित ना हो, उनके एग्ज़ाम हो ताकि वो आगे प्रोन्नत हो सके, क्योंकि यदि एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो वो बच्चा 5 साल तक एक ही क्लास में है, तो ये तो एक तरह से भविष्य के साथ खिलवाड़ है छात्रों के। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं? अभी हम लोग कंट्रोलर का वेट कर रहे हैं, कंट्रोलर नहीं आए हैं, तो जैसे ही कंट्रोलर, सभी छात्र 1 घंटे से कंट्रोलर का वेट कर रहे हैं। कंट्रोलर का नाम बता सकते हैं? अजय कृष्ण यादव। अजय कृष्ण यादव देख रहे हैं? हाँ जी। इधर भी ले लीजिए थोड़ा ये। तो अभी तक वो नहीं, कितनी देर पहले 1 घंटे से आपने बोल रखा, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है? सप्ली के एग्जाम हर 3 महीने में होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। पूरे यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटियों ने एग्जाम करा दिए हैं, लेकिन ये नहीं करा रही। इंटर्नशिप चल रही है हमारे बैच के, हम लोग 2019 में लास्ट ईयर भी हमने इनसे बात करी थी, तो इन्हें हमें लिखित में और दिया था कि हम आपका सब कुछ टाइम से कराएंगे और उनके साइन भी विद सिग्नेचर हमारे पास एप्लीकेशन भी है, और इन्होंने कुछ नहीं करवाया। 15 दिसंबर 2016 को हमारी पहली क्लास लगी थी हमारे कॉलेज में। ये प्रशासन और यूनिवर्सिटी पूरा डिपार्टमेंट इस बात को तय करके हमें बता दे कि हमें इस टाइम कौन से ईयर में होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रदर्शन हमने पहले भी किया है? पहले भी किया 2019 में, हमारे पास लिखित में मिला, इन्होंने लिख के दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी। ये हमारे पास ये पूरा लेटर है और इसमें उन्हें एग्जामिनर कंट्रोलर साहब के नीचे साइन भी है, उन्होंने हमें लिख के भी दिया था कि आपका सब कुछ टाइम से होगा, टाइम पूरा भरपाई किया जाएगी, टाइम की कुछ भी गलती नहीं होगी, सीधा सा बोला था। अब आपकी मांगे क्या है? मांगे ये है, हमारे पास एग्जाम हो, हमारा जो बैच है 2016-17 बैच है, 21-22 में फाइनल होना चाहिए, तो फाइनल होना चाहिए बस, हमें ये टाइम टू टाइम तैयारी की, सिलेबस की, उसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी। आप एग्जाम कराओ, डेट दो, हम करें कैसे भी। 4.5 साल में हमारे एग्जाम पूरे कोर्स के क्लियर होने चाहिए, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है वो होनी चाहिए, 5.5 साल का प्रोसीजर इस कोर्स का पूरा विद इंटर्नशिप, और हो गए पूरे 5.5 साल कंप्लीट। अब हमें और अभी हम सेकंड ईयर के भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, ये ऐसे थर्ड ईयर वो क्या करेंगे, क्योंकि अब हम राय किधर के नहीं है, ना तो हम आगे जाने के ना पीछे जाने के, हमारा तो पूरा फ्यूचर खत्म होने वाला है। इनकी वजह से इन्होंने हमारे पूरे करियर की बाट लगा दी है, और मैं पूरे आगरा की जनता से पूछना चाह रहा हूँ, हम लोग हैं कौन, तो हम कौन है, हम स्टूडेंट हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं लोग, हम आते हैं तो हमको धक्के मार मार के भगा रहे हैं। अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं तो हम बहुत आगे जाएंगे, हम लेके रहेंगे अपना।